स्कूल्स। वाराणसी में स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर SIIC वाराणसी को की NDC इंटरनेशनल के तत्वाधान में कार्य कर रहा है। जिसके माध्यम से कुशल युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय नियोक्ताओं से जोड़कर विदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। इसी क्रम में NSDC इंटरनेशनल कैनब्रिज लैम्ब्रिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को अंग्रेजी भाषा सिखाई जा रही है, जिसका औपचारिक उद्घाटन आज दिनांक 2 मार्च 2023 गुरुवार को श्री वैद मणि तिवारी CEO MD NSDC डॉक्टर संदीप सिंह कोरा सलाहकार NSDC एवं कुलपति LTSU श्री TK अरुणाचलम रीजनल डायरेक्टर दक्षिण एशिया कैम्ब्रिज द्वारा श्री के एम सिंह संयुक्त सचिव ITI श्री अरुण यादव प्रधानाचार्य राजकीय ITI करौंदी हिमांशी शेखावत NSDC अमित कुमार सेंटर मैनेजर SIIC की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न हुआ। उद्घाटन समारोह में श्री वैदमणि तिवारी CEO MD NSDC ने बताया कि सेंटर के माध्यम से विदेश में नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों को अंग्रेजी सिखाकर और दक्ष बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिससे कि भाषा की समस्या को दूर किया जा सके और अधिकाधिक उम्मीदवारों का चयन कराया जा सके। जी सर, परिचय बता दीजिए अपना। मैं वेदमणि तिवारी, CEO नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। सर, आज किस प्रकार का यहाँ पर आयोजन हो रहा है? आज यहाँ पे हमने एक संस्था की स्थापना करी है, स्किल इंडिया इंटरनेशनल। स्किल इंडिया इंटरनेशनल में आज हम एक शुरुआत कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे साथ कैम्ब्रिज के अधिकारीगण हैं, जो कि यहाँ पे इंग्लिश की प्रशिक्षण की व्यवस्था करा रहे हैं। हमारे साथ लैम्ब्रिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी के चांसलर मिस्टर संदीप सिंह कोरा हैं, जो कि इस सेंटर पे इस लैंग्वेज ट्रेनिंग की को संचालित करेंगे। हमने जैसे अभी बताया कि इंग्लिश तो हमारी पहली शुरुआत है, पर हम यहाँ पे जल्दी ही जर्मन, फ्रेंच और जापानीज लैंग्वेजेस के भी ट्रेनिंग लेके आएंगे, जिससे कि वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों को लोग के युवाओं को दुनिया के सारे जगहों में अवसर मिल सके। अगर आप देखेंगे तो इस सेंटर में बहुत हाई एंड लैब्स भी इस्टेब्लिश की गई हैं, जिससे कि दुनिया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर काम करने के लिए जो प्रशिक्षण चाहिए उसकी व्यवस्था यहाँ पूरी की गई है। तो जैसे इंडिया में अपने कमी नहीं है लोगों के टैलेंट की, लेकिन अक्सर जो है यहाँ IIT भी करके लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं विदेश को, तो ऐसा क्यों सर? शायद वो अब दुनिया बहुत बदल गई है। आज दुनिया में हम जो हम एक इलेक्ट्रॉनिक एज में रह रहे हैं, पूरी दुनिया ग्लोबलाइज, दुनिया को अब केवल अपॉर्चुनिटीज़ के तरीके से देखने की ज़रूरत है। अब कोई परमानेंट नहीं जाता, लोग दुनिया में किसी एक देश में जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नए चले आते हैं। हमको इस तरीके से देखना है कि जैसे लोग आप हमारे और आपके पिताजी के ज़माने में कोई वाराणसी से इलाहाबाद जाता था, कोई कानपुर जाता था और फिर वापस आता था। आज जैसा मुझे याद है, मेरे फादर अलीगढ़ में पोस्टेड थे। अलीगढ़ केवल 500 किलोमीटर दूर है, हमारा घर प्रयागराज में हुआ करता था, लेकिन ऐसा लगता था कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं हम। तो वो ट्रेन में टिकट कटाना और उसमें जाना कितनी बड़ी बात होती थी। आज तो यहाँ से लंदन जाने में भी कोई पता नहीं चलता। आज आप अगर यहाँ से मद्रास जाना चाहें, चेन्नई जाना चाहें, तो आपको करीब 36 घंटे लगेंगे, 6 घंटे वो 3.5-4 घंटे में तो बच्चा दुबई पहुँच जाएगा। तो दुनिया को हमको नए तरीके से देखने की ज़रूरत है। नहीं सर, बात यह है कि जैसे आज की जो जनरेशन है या पहले की भी जनरेशन, लोग पैसे के पीछे भागते हैं। आज जैसे मान लीजिए कोई लड़का IIT करता है, IIT करके निकलता है, अगर उसको विदेश में नौकरी मिलती है तो पहले प्रेफर वो विदेश को देता है, इंडिया को नहीं देता। ऐसा नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आज की डेट में अगर आप देखें तो बहुत सारे हिंदुस्तान में स्टार्टअप्स आ रहे हैं, IITs के लोग स्टार्टअप कर रहे हैं। सो वो विदेश तो नहीं जा रहे, वो यहीं बैठ के स्टार्टअप कर रहे हैं। सो ये तो चॉइस की बात है, कुछ लोग ये पर्सनल चॉइस है। आज दुनिया में हर बच्चे के सामने बहुत सारे रास्ते खुल गए और हर बच्चा अपने आप में अलग होता है, वो अपने 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 हिसाब से फैसला लेता है उसका।